एक लकवाग्रस्त लड़की अचानक से अपनी दवा को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि इसे पता चल जाता है कि जो दवा वो बचपन से ले रही थी वो दरअसल नकली है। लेकिन ये अपनी इस जानकारी के बारे में किसी को भी पता नहीं लगने देती। ये चुपचाप उस दवा को अपनी माँ के हाथ से लेकर खा लेती है, परंतु अपनी माँ के जाने के बाद ये उस नकली दवा को उगल देती है। अब रात को अपनी माँ के सोने के बाद ये व्हीलचेयर लिफ्ट पर बैठकर नीचे आ जाती है, जहाँ ये कंप्यूटर पर उस नकली दवा के बारे में सर्च करने लगती है। लेकिन उस समय इनका इंटरनेट बंद होता है। वहीं अंधेरे में छुपकर लड़की की माँ इस पर नजर रख रही होती है। अगले दिन अपनी माँ को गार्डन में पानी देता देख ये लड़की उस दवा का पता लगाने के लिए एक फार्मेसी में कॉल करती है, परंतु वो फार्मेसी वाली इस लड़की की माँ की जानकार निकलती है, जिस कारण डरकर ये लड़की फोन को रख देती है। जब ये लड़की देखती है कि उसकी माँ अभी भी गार्डन में पानी दे रही है, इसलिए ये फोन में रैंडम से कोई नंबर मिला देती है, जिस कॉल को एक लड़का उठा लेता है। ये लड़की उस लड़के से उस दवा के बारे में सर्च करने को कहती है, जहाँ ये लड़का उसे कहता है कि ये दवा लाल रंग की होती है। लड़के के इतना कहते ही ये और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि जो दवा वो इतने सालों से ले रही है उसका रंग तो हरा है। अब अगले दिन ये लड़की अपनी माँ के साथ मूवी देखने जाती है, जहाँ ये लड़की पिक्चर हॉल के पास ही में एक दवा का स्टोर देखती है।